श्री नरेंद्र प्रकाश सर जी का, जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से, अपने तरीकों से सिर्फ विदिशा में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइज हुआ जहाँ, या इसके पहले जो 80% चीज़ें मैंने सीखा हूँ वो सर मुझे सर से जो बने सर, जो सर मैं तो उनको सर यहाँ का शेर मानता हूँ। और उसके बाद सर श्री सत्य प्रकाश सर आते जिनके मार्गदर्शन में लगभग 50-60% चीज़ें वहीं पे सीखी। शुरुआत में वो चीज़ें जानने को मिल गई थी सर जो एक टैक्स का अकाउंट होता है, फिर बहुउद्देशीय अकाउंट होते हैं, उसके बाद संचालक मंडल का क्या वर्क होता है, इसके अलावा सिर्फ ये टैक्स ही नहीं है इसे मल्टी रूप क्यों दिया जा रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग भी जानने को हमें मिला। सर मैं आपके चरणों में नमन होकर के प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद नहीं है लेकिन उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र रघुवंशी सर, जिनके बारे में शायद सभी जानते हैं लेकिन एक जो चीज़ होती है व्यवहार वाली, जो अभी शिवानी ने बताया व्यवहार की शुरुआत वहाँ से स्टार्ट होते हुए जो देखने को मिली है वो हर एक फैकल्टी में है, हर एक कार्य में करने की प्रोग्रेस भी देखने को मिली। अब जो चीज़ें सीखेंगे हम आगे, चाहे वो संचालक मंडल हो समिति में, या फिर वो CSC का वर्क हो, या फिर RoD प्रोसेस हो, या फिर कोरम का कैसे हम बनता है उसमें 50% संचालक मंडल के मेंबर्स होते हैं, या फिर कई प्रकार की NPA की जो भी प्रोसेस है, जो भी टाइप्स हैं, चाहे वो आज हमने पढ़े लोन्स के कितने प्रकार होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, मीडियम टर्म लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, हर एक चीज़ को बारीकी से जानने का जो मौका इन 3 दिवस के भीतर हमें मिला वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नीय तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो शायद एक सोसाइटी मैनेजर होते हुए अभी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्म फिल किया था सर तो मुझे कुछ भी एक आइडिया नहीं था, सिर्फ इतना ही पता था कि SM मतलब सोसाइटी मैनेजर क्या वर्क है, क्या प्रोसेस है, वो इस संस्थान में आकर के इन चीज़ों को देख करके जानने का मौका मिला। और सर मैं बहुत ज़्यादा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एक एक व्यक्ति का, चाहे वो यहाँ पे पानी पिलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो चाय सर्व करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो समोसे लेकर के आने वाला व्यक्ति हो, इन भोजन का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है टाइम टू टाइम वो सर यहाँ है सर ऊपर इसका एक लेवल बेहतर। और सर एक और चीज़ जानने को जो मिली है सबसे बड़ी बेहतर कि इस सोसाइटी के में रहते हुए हमें सर वर्क नहीं करना है, हमारे रोल डिफरेंट है। और इसके अलावा चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो केरला की हो, हर जगह से हमें सर नॉलेज एक्वायर करना है। ये चीज़ें सर मैंने सर के मार्गदर्शन में सीखा हूँ और आगे इन द फ्यूचर सीखने की सर मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ सर बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की प्लान के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, उसका एक बुकलेट पूरा जो तैयार किया है PK सर ने वो सर लेवल से भी ऊपर है। अब सर उसको हमें सीखना है तो सर आपके मार्गदर्शन की हमेशा हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, इसलिए सर जब जब मौका मिलेगा सर मार्गदर्शन की हमें मौका देते रहना सर। और सर इसी के साथ मैं समय का तो काफ़ी ज़्यादा अभाव है, विराम देता हूँ इसी के साथ अपने शब्दों को। और सर थैंक यू सो मच।